क्रिस्पी आवाज़ सुनिए दोस्तों। जानकर आपको हैरानी होगी कि ये मठरी बिना घी बिना मोयन के बनी हुई है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए, बाजार जैसी खस्ता मठरी की। मठरी के साथ साथ मैंने बनाया यहाँ पे नमक पारे, ये सेमी भी इसे कहते हैं। इसका भी क्रंच सुनिए फ्रेंड्स, कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है बहुत ही आसान तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड क्राफ्ट, जहाँ पर आपको बेकार की चीज़ों से भी बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ मिलती हैं। आज हम बनाएंगे मठरी बचे हुए सामानों से। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो आप घी देख रहे हैं हम इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे मैं छान लूँगी और जो इसका खुरचन बची है इससे मठरी बना कर दिखाऊँगी। इस खुरचन को ही हम मोयन की तरह यूज़ करेंगे और जो हमारी कढ़ाई रखी हुई है हम उसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे और उसे अच्छे से बॉईल कर देंगे, जिससे कि हम अपना आटा रेडी करेंगे। यानी कि हमें एक बूंद भी इसमें घी का मोयन का कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है। बची हुई खुरचन और गर्म पानी से हम मठरी बनाएंगे। हेल्थ को नज़र में रखते हुए मैंने यहाँ पर एक कप मैदा लिया है और एक कप गेहूँ का आटा लिया है। दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे और उसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे और कलौंजी, वो भी हम एक चुटकी कलौंजी भी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आ गया इसका मेन इंग्रेडिएंट। जब भी हम मठरी या सेमी बनाते हैं तो हम उसमें घी का इस्तेमाल करते हैं, तो उस घी को रिप्लेस करने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है खुरचन, जो कि हमने घी को छानने के बाद निकाला है। इसे हम अच्छे से मसल के मिक्स कर देंगे आटे में। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा बाइंड होने लग गया है अच्छे से, जिस तरह से घी डालने पर होता है हमें इसी तरह का चाहिए होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, खुरचन बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है आटे में। और ये वो पानी है जो कि मैंने बॉईल किया था घी की कढ़ाई में। बस इसे मिक्स करके हम एक टाइट सा डो बना लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल मठरी के लिए बनाते हैं। रेसिपी फ्रेंड्स बिल्कुल ही सेम है, बट हमने यहाँ पे घी या फिर मोयन के अलावा यूज़ करी है घी की खुरचन, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची टेस्ट लेकर आएगी इसमें, क्योंकि हमारा पानी भी गर्म है। और ये हमारा आटा बनके रेडी हो गया है। इसे हम 10 मिनट के लिए कपड़े से ढककर रख देंगे। 10 मिनट बाद हमारा आटा कुछ ऐसा दिखेगा। इसे हम रफली 3 लोई में सेपरेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मोटी मोटी 3 लोई बना ली हैं, रफली बना ली है। इसे हम बाद में चिकना कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे बेलना है और फिर मठरी को कट करना है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसे स्मूथ करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 लोई मोटी मोटी काट ली है और अब इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। ये मैंने लोई को बेल लिया है और एक ऐसे ही मैंने छोटी सी ग्लासी से इसे एक परफेक्ट शेप देने के लिए कट कर लिया। जितनी बड़ी आपकी रोटी बनेगी उस हिसाब से आपकी मठरी बनेगी। ऐसे फ्रेंड्स आपको सारे एक ही शेप में कट कर लेने और फिर इसे फोक की मदद से सब में छेद कर देने, ताकि इसमें से अच्छे से ये क्रिस्पी बन जाए और फूले नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इतनी मोटी रखनी है मठरी ताकि वो खस्ता बने। हमें दोनों साइड प्रिक करना होगा फोक की मदद से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आप चाकू से भी कर सकते हैं या फोक से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। मठरी डीप फ्राई होने के लिए तैयार है। मैंने यहाँ पे ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में, जो कि अच्छे से गरम हो गया है। अब हम एक एक करके मठरी डालेंगे इसमें और इसे डीप फ्राई करेंगे। स्टार्टिंग में हमें जो फ्लेम रखनी होगी हाई रखनी होगी जब हम ऑयल को गरम करेंगे, और जब हम मठरी को डाल देंगे तो हमें मीडियम टू लो पे इसे सेकनी है, तभी इसका क्रिस्प आएगा। अदरवाइज ये पिंक तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से करारी नहीं होंगी, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा और इसे आराम से सेकना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है। आटा पड़ा हुआ है इसलिए हल्की सी ज़्यादा पिंक लग रही है, अदरवाइज इसका क्रिस्प आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है। बाकी के आटे की मैंने बना ली थी सेमी, जिसे मैंने बेल के डायमंड शेप में कट कर दिया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं उसे भी डीप फ्राई करूँगी एक अच्छा सा कलर आने के लिए, लो से मीडियम फ्लेम तक। और ये हमारी मठरी, क्रिस्पी मठरी, क्रंची मठरी, खस्ता मठरी, कुछ भी कह लीजिए, बनकर तैयार है। बिना किसी मोयन के, बिना किसी घी के
आपके सामने मैंने इसमें सिर्फ घी की खुरचन यूज़ करी है, जो कि अक्सर हम उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते, और हमारी ये मठरी भी सेमी भी बनकर तैयार है। इसका भी क्रिस्प देखिए फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेल्दी और टेस्टी करारी क्रिस्पी मठरी तैयार है बनकर।